हेलो एवरीवन, मैं हूँ विनीता और आप देख रहे हो रेनफो हब, जहाँ हम कई सारी रैंडम और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। लास्ट वीक हमने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के बारे में पता लगाया। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पास में टाइम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। साइंस में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट के मदद से साबित कर सकते हैं, और फिर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम मैथ्स के मदद से थियोरिटिकली साबित कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल एक मैथमेटिकली प्रूव्ड थियोरी है। अतीत में समय यात्रा के बारे में तीन इम्पॉर्टेंट थियोरी है। थियोरी वन, वाइट होल। वाइट होल बेसिकली ब्लैक होल के ऑपोजिट होता है, और ब्लैक होल स्पेस एंड टाइम का एक रीजन है जहाँ ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि यहाँ सब कुछ अपनी ओर खींचता है और वहाँ से कुछ भी निकल नहीं पाता। जबकि वाइट होल स्पेस एंड टाइम का एक ऐसा रीजन है जो किसी भी चीज़ को किसी और समय या किसी और यूनिवर्स में धकेलता है। बाहर से वाइट होल में एंटर करना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिशियन रॉय कर के अनुसार एक यूनिक ब्लैक होल है जिसे कर ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। कर ब्लैक होल एक टाइप का घूमता हुआ ब्लैक होल है जो इसके एक एंड में एक वाइट होल बना सकता है। कर ब्लैक होल और वाइट होल दोनों एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कर ब्लैक होल और वाइट होल मौजूद है तो हमें सिर्फ एक स्पेसशिप को बिल्ड करना होगा जो टाइम ट्रैवल को झेल सके और वाइट होल के उपयोग से हम समय में यात्रा कर सके। थियोरी टू, ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइट। मेरे लास्ट वीक के वीडियो से हम सभी जानते हैं कि हम फ्यूचर में लाइट की स्पीड के हेल्प से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रैवल करते हैं? जब कोई स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करेगा तो उस स्पेसशिप के अंदर रहने वाले व्यक्ति के लिए समय धीमा हो जाएगा। जैसे ही स्पेसशिप लाइट की स्पीड तक पहुँचेगा उस व्यक्ति के लिए समय रुक जाएगा, और जब स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा तो स्पेसशिप टाइम में वापस जाना शुरू कर देगा। हालांकि थियोरिटिकली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए हमें इन्फिनाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारे लिए इन्फिनाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। थ्री, वर्म होल। वर्म होल एक टनल की तरह होता है जिसके एंड स्पेस टाइम में अलग अलग पॉइंट पर होते हैं, यानी अलग अलग लोकेशन या समय में अलग अलग पॉइंट पे या दोनों। वर्म होल लॉन्ग डिस्टेंसेस जैसे कि बिलियन लाइट ईयर्स या उससे ज़्यादा, कम दूरी जैसे कि कुछ मीटर, डिफरेंट यूनिवर्स या समय में डिफरेंट पॉइंट को जोड़ सकता है। अगर किसी तरह हम एक वर्म होल या एक ट्रांसवर्सिबल वर्म होल, ये एक प्रकार का वर्म होल है जिसके एंड्स को किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है, इन्हें बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर हम एक एंड को हाई ग्रेविटेशनल रीजन के पास ले जा सकते हैं, जैसे कि कोई ब्लैक होल के पास, या हमारे साथ वर्म होल के एक एंड को लेके लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें और फिर हम उस एंड को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाते हैं, तो एक एंड प्रेजेंट में होगा और एक एंड टाइम डायलेशन के वजह से पास्ट में होगा। अगर आज हम इस तरह का वर्म होल बनाते हैं तो फ्यूचर से ह्यूमंस आज तक ही ट्रैवल कर सकते हैं, वो पास्ट में जाके डायनासोर्स नहीं देख सकते। एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस के अनुसार वर्म होल क्वांटम लेवल पर मौजूद है। यूनिवर्स में क्वांटम लेवल सबसे छोटा लेवल है। यूनिवर्स के सभी छोटे पार्टिकल्स इस लेवल में मौजूद है। इन दी एंड हर कोई अपनी लाइफ में पहले हुई चीज़ों को बदलने के लिए पास्ट में वापस जाना चाहता है, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मैथ्स हमें चीज़ों को सपोज करने बोलता है, उन चीज़ों को जो हमारे पास नहीं है या जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वीडियो में जिन तीन तरीकों पर हमने बात की है वो रियलिटी में बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमंस ये एरा में उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए हैं।
हम बस होप कर सकते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए, जिससे हम अपने लिमिटेशंस को तोड़ सकें और पास्ट में वापस जाने में सक्सेसफुल हो पाए। मगर फ्यूचर की ह्यूमंस टाइम की डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हुए हैं, तो अभी टाइम ट्रैवलर्स कहाँ हैं? वो हमसे अभी तक क्यों नहीं मिले और उन्होंने हमें वो नॉलेज क्यों नहीं दिया जो उनके पास है? या ये किसी भी तरह का पैराडॉक्स क्रिएट करेगा? इन सवालों के साथ मैं भी ये वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रैनफो हब को, और आने वाले माइंड बेंडिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे। थैंक यू।